दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और हमें हमेशा याद दिलाता है कि जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। और ऐसा ही कुछ अनफोल्ड होने वाला है स्टारप्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में। अब तक हमने देखा कैसे अबीर कुहू को ड्रॉप करने महेश्वरी हाउस आता है, मिष्टी को छोड़कर बाकी सारे घर वाले अबीर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अबीर अलविदा कहकर दशहरा इवेंट के लिए निकलने ही वाला होता है कि कुहू बड़ी स्मार्टली मिष्टी को भी अबीर के साथ भेजती है। वहीं दूसरी ओर राजवंश हाउस में पारुल और निधि मीनाक्षी को कहती हैं कि बहुत ढूंढने पर भी उन्हें मीनाक्षी का हार नहीं मिलता। इतने में वहां मेहुल आ जाता है और मीनाक्षी को टॉन्ट करता है कि हार गायब होने का इल्जाम वो उस पर डालकर फिर से अबीर और कुणाल को उसे अलग करने की कोशिश कर सकती है। मीनाक्षी मेहुल को चैलेंज करती है कि उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये भी कि मेहुल का सच सबके सामने जरूर आएगा। वेल, इसके लिए दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में ही मेहुल का सच सामने आएगा। मेहुल की एंट्री के बाद से कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि मेहुल जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वेल, गेस व्हाट, आप सही सोच रहे थे। और इस बात को खुद मेहुल प्रूव करता है जब व्यूवर्स देखेंगे कैसे उन्होंने ही मीनाक्षी का हार चुराया है। बस को मेहुल का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा जब मेहुल चुराया हुआ हार उस आदमी को देते हैं एज अ पेमेंट जिसने अबीर के बर्थडे सेलिब्रेशंस के दौरान मेहुल पर अटैक किया था। जी हाँ, मीनाक्षी ने नहीं बल्कि मेहुल ने खुद का अटैक प्लान करवाया था ताकि मेहुल को अबीर का साथ, उसकी सिंपैथी मिले और अबीर मीनाक्षी के खिलाफ हो जाए। एपिसोड्स के दौरान सारे गलतफहमी और गिले शिकवे दूर करने के बाद अबीर मिष्टी को सजेस्ट करता है कि उन्हें शादी के बाद अलग घर में रहना चाहिए, जो कि मेहुल का आइडिया था क्योंकि वो अबीर को राजवंश फैमिली से अलग करना चाहता है और अब तो लगता है वो सक्सेसफुल भी हो रहा है। पर अभी के लिए तो मेहुल का प्लान सक्सीड करता नजर आ रहा है, लेकिन जिस दिन अबीर को सच का पता चलेगा तो क्या होगा? वेल, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन दुनिया के लेटेस्ट अपडेट, न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।